एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ लहंगे पे कुछ डिफरेंट मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। जिस लुक को आप करके जाओगे ना, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखोगे। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे गुड वाइब्स का मिस्ट। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बजट में है और मेरा फिनिश भी होने वाला है। इसको अच्छे से ही अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से, कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी 2 मिनट के लिए। वाइबे का कंसीलर मेरा शेड है 3, अच्छे से ही अप्लाई कर लेंगे। और मेरा मिस्ट जब तक सूख रहा है तब तक इसको अच्छे से ही अप्लाई कर लूँगी मैं इस तरीके, दोनों ही आई में ब्रश के, फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से ही ब्लेंड कर लेंगे। लैक्मे का कॉम्पैक्ट लेंगे और अच्छे से अपने कंसीलर को सेट कर लेंगे। ब्राउन वाला सेट पिक कर रही हूँ आज। एक्स्ट्रा निकालते हुए आपको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक लाना है, हल्के हल्के से ब्लेंड करते हुए। और इसको अच्छे से ही दोनों ही आई पर आपको थोड़ा थोड़ा सा लेकर अप्लाई करना है, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इकट्ठे नहीं लेना है। बाद में ले रही हूँ एन वाइबे की लिपस्टिक और मेरा सेड है 12। इसको आउटर इनर कॉर्नर पर मैं इस तरीके से अप्लाई करूँगी। ये देखिए, इनर कॉर्नर पे मैंने अप्लाई किया। एक पेंसिल ब्रश से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइस, इसको हल्के हल्के से ब्लेंड करना है। अगर आपके पास किसी कलर का आई शेडो नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये वाला सेम शेड लूँगी पेंसिल ब्रश की हेल्प से, हल्के हल्के से इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा आपको उसी लिपस्टिक के ऊपर हल्के हल्के से लगाना है। ले रही हूँ एक लाइनर जो है ब्लू कलर का, मेरा लहंगा ब्लू और पिंक टोन में है तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर का लाइनर ले रही हूँ। और इसको हल्के से हाफ में लगाना है, पूरे में नहीं लगाना है। और ये ग्लिटर लाइनर है, काफ़ी अच्छे से शाइन भी आ जाती है, बहुत ही अच्छा है ये। और कितना अच्छा कलर उभर कर आया है आप देख सकते हो। सेम लाइनर जो है सिल्वर कलर का, इसके बाद मैं ग्लिटर लाइनर ले रही हूँ जो है मेरा सिल्वर कलर का, बहुत ही अच्छा है। और इस तरीके से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा लेकर अच्छे से आपको अप्लाई करना है। फिर सेम लिपस्टिक लूँगी और इसी से मैं काजल अप्लाई करूँगी एक पेंसिल ब्रश के हेल्प से, जैसे आप काजल लगाते हो ना उसी तरीके से आपको लेना है। फिर यहाँ पर मैंने फिर वही वाला शेड पिक किया है और इसको हाफ में लगाया है जो मैंने अपनी लिपस्टिक के ऊपर लगाया था उसी को। और यहाँ से फिर मैंने ब्लैक शेड पिक किया और इसको भी मैं हाफ में लगाऊँगी, हाफ में वो और हाफ में ये, ठीक है। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ एनवाइबे का काजल, बहुत ही अच्छा काजल है ये। और यहाँ पे फिर मैंने वही पैलेट लिया मोर्फी वाला और इसी में से मैंने ब्लैक से शेड यार क्या पिक किया और इसको अच्छे से ही अपनी आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ इसी से, फ्लैट ब्रश की हेल्प से। और फिर मैं सेट कर लूँगी ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। गुड वाइब्स की कोकोनट क्रीम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आज मैं इसे मॉइस्चराइज़र के लिए अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं लगाऊँगी हुडा ब्यूटी का प्राइमर, बजट में है, 100 में मिल जाता है। लाइनर जो है जेल, बहुत ही अच्छा लाइनर है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बजट में है। आप चाहे तो लिक्विड लाइनर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, बट मैं जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। फाउंडेशन ले रही हूँ मेबेलिन फिट मी का, ये फाउंडेशन का शेड है 230। ये फाउंडेशन लगाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत ही ईजिली ब्लेंड होता जाता है, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती इसको ब्लेंड करने में। आप देख रहे हैं कितने ईजिली ये ब्लेंड हो रहा है। करने के लिए आज मैं कोई भी कंसीलर नहीं यूज़ कर रही हूँ, आज मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ और ना ही कॉन्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने डार्क शेड वाला फाउंडेशन अप्लाई किया, सॉरी क्या बोलती हूँ, लाइट शेड वाला। और इसको मैं हल्का हल्का सा, जहाँ से आपको हाइलाइटिंग की ज़रूरत होती है, अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप इसी तरीके से हाइलाइटिंग कर सकते हैं। आज मैं कोई भी कंसीलर नहीं यूज कर रही हूँ, मैंने अपना लाइट शेड का फाउंडेशन लिया है उसी से मैं हाईलाइट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हाईलाइट हो चुका है। अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए हिमालय का बेबी पाउडर पता है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे लगा लूँगी फिर थोड़ी देर के बाद निकाल दूँगी। जैसे टॉप वो लीजिए और फिर बाद मैं लूँगी ब्राउनजर वाला, ये वाला शेड करूँगी इस तरीके से। देखिए, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से पहले मैं नोज़ पे अप्लाई कर लूँगी, ब्रश लूँगी इस तरीके से।
मैं लगाऊंगी ब्लशर, अभी मतलब शाइनिंग वाला ब्लशर नहीं लगा रही, हाइलाइटर वाला, क्योंकि हाइलाइटर के मैं हाइलाइटर के लिए मैं ले रही हूँ विल्टन वाइट का आई शेडो पैलेट, इसमें से ये मैं मिनी वाला, इसी से मैं हाइलाइटिंग करूँगी। ये चमकी पार्टिकल्स नहीं है तो इसलिए मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, नेचुरल सा ग्लो देता है। लिपस्टिक मैं ले रही हूँ 12 शेड वाली, इसको मैं अप्लाई करूँगी, तो इसको अच्छे से ही मैं अप्लाई कर लूँगी। और इसके बाद मैं लगाऊँगी लिक्विड लिपस्टिक, फटाफट से लगाने के बाद ऊपर मैं लगाऊँगी हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अब लिक्विड लिपस्टिक, इससे लिपस्टिक का कलर जो काफ़ी ज़्यादा डार्क आ जाता है। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट हो तो वो भी बताइएगा। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, ओके बाय बाय।